एक्सप्लेन कर रहे हैं माइक है। जब मैं आपसे बोलूँ आपके पास टाइम है सोचने का? इनको अपने वो टॉपिक समझ नहीं आया, तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो ये आपको बोल रहा हूँ या स्टार्ट करने के लिए, तब आप स्टार्ट कर देंगे। As you know, the hair of female is always thought to be beautiful. It emits beauty in females. It makes them beautiful. So it's always a source of attraction in females that their hair is curly, their hair is long, their hair is black, and it gives a look of attraction, beauty. It makes them gorgeous in fact. So the female who is having long hair is thought to be more gorgeous, more beautiful, and is thought to be very, in fact, gorgeous and cute. So length of hair matters a lot in the female in terms of beauty. In fact, if you are aware that those female who have short hair, they are always afraid. आपके सिचुएशन कंप्लीट हो गए, एक मिनट। आप जिसके बताइए कि इनका जान कैसा था, मैं उस बेसिस पे इनको चॉकलेट दूंगा। अब नेक्स्ट कौन आने को तैयार है? कोई भी चैलेंज है, कोई तो रेडी है इसके लिए, चैलेंज के लिए। मुझे आपसे बेहद ज्यादा उम्मीद है, क्या आपका आना तो बनता ही है, इसके लिए टॉपिक चूज कीजिए। अब आप जाइए, अभी क्या इवेंट क्या है इनका? टॉपिक है
हॉस्टल का वाईफाई अभी आपने देखा होगा वाईफाई के बारे में एक ड्रामा पेश किया गया वाईफाई के बिना जिस तरह खाना हजम नहीं होता है आज के नौजवानों के लिए वाईफाई एक ऐसा ही चीज बन गया वाईफाई के बिना ना नींद आती है ना चैन आता है ना सुकून आता है जिस तरह एक नौजवान लड़का अपने 18 साल से गुजरते हुए बिना गर्लफ्रेंड के उसको चैन नहीं आता है उसी हिसाब से वाईफाई के बिना एक हॉस्टल वाले लड़के को चैन नहीं आता वाईफाई आजकल हर स्टूडेंट का गर्लफ्रेंड ही बन गया है वाईफाई आजकल हर स्टूडेंट का ही नहीं बल्कि आजकल के जाहिलों के मोबाइलों में भी वाईफाई कनेक्ट होने लगे हैं खेतों में भी जियो वाले ने तो ऐसे ऐसे प्लान तैयार कर गए हैं जो वाईफाई को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया तो हम इससे कह सकते हैं तो वाईफाई बहुत ही अच्छी टाइम अब आप आगे कार फिर से डिपेंड कीजिए देखो इस बारे आइए जब से यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखा तो हर जगह देखा गया चाहे मेस को चाहे रूम हो तो हर जगह हमें रेड्स नजर आए ऐसा नहीं लगता था कि कहीं ये रेड्स जो है हमारे खाने में दखल तो नहीं दे रहे और हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें अपने कुक्स को बताना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो हमें इन रेड्स का मिला जुला खाना तो नहीं खिला रहे अगर ऐसा होता है तो हमें कई बार रेड्स की वजह से चिकन गुनिया होने का भी अच्छा रहता है आज मैं मेरा टॉपिक है मानू और देखिए जब कोई इदारा शुरू होता है उसकी सबसे पहली बुनियाद इमारतों से होती है इसी तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी जो सबसे पहले अगर किसी रिहाइश गाह की बुनियाद रखी थी वो ओल्ड बॉयज हॉस्टल था अगर हॉस्टल ना हो तो ये हमारे बुलबुल कहाँ पे रहेंगे इसीलिए बुलबुलों को रहने के लिए उनकी रिहाइश गाह का होना बहुत ही जरूरी है इसलिए हमारे जिम्मेदार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टूडेंट के लिए अपने तालिबे इल्मों के लिए बेहतर से बेहतर हॉस्टल का जो है कि इंतजाम करें और ओल्ड बॉयज हॉस्टल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है उसमें बेहतरीन डाइनिंग हॉल है